सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओम प्रणाम। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से 6 प्राणायाम जो मूल आप सभी कर सकते हैं अपने घरों में ही बैठे बैठे, और जो घरों से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इस समय, उनके लिए विशेष लाभकारी अभ्यासक्रम है और समस्त रोगों के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव अभ्यासक्रम है। और इनके साथ ही साथ जो विशेष इसका लाभ है वो शरीर के संपूर्ण आंतरिक अंगों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। सॉफ्टवेयर के लिए जिस प्रकार से जिम आदि जाने से हमारे हार्डवेयर मजबूत होते हैं शरीर के बाहरी अंग, उसी प्रकार से प्राणायाम के अभ्यास से हमारे आंतरिक अंग सॉफ्टवेयर जो हैं ये सक्रिय होते हैं। तो कुछ अभ्यास हैं जो आप सभी कर सकते हैं अपने घरों में ही बैठे बैठे। इस समय COVID-19 के चलते घरों से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो बच्चे हॉस्टल में हैं या विद्यालयों में पढ़ाई करते हैं, हॉस्टलों में बच्चे बच्चियां हैं वो वहीं पर हैं अभी हॉस्टलों में ही, तो वो निकल के ग्राउंड में भी नहीं जा सकते, उनके साथ भी बड़ी समस्याएं हैं, आप एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते। तो आप सबसे अच्छा ये प्राणायाम रहेगा जिसे आप बैठे बैठे अपने स्थान पर ही और बड़ी ही सहजतापूर्वक आसानी से करके अपनी लंग्स की कैपेसिटी को, हार्ट की ब्लॉकेज को, शरीर के संपूर्ण आंतरिक अंगों को, इंटरनल ऑर्गेन्स को सक्रिय कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी को भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास बता देता हूँ। ऐसे कमर गर्दन को सीधी करके बैठिए सुखासन इस प्रकार से, या सिद्धासन, ऐसे एक पैर को ऊपर रखेंगे और दूसरा नीचे। तीसरा है पद्मासन, जिसमें भी आप सहजतापूर्वक ऐसे बैठ सकते हैं, बैठ जाइए, और बैठने के बाद फिर आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं सहजता के साथ। तो जिनको जैसा सुलभ लगे वो उस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे बैठेंगे, मन शांत होना चाहिए और सहज। सर्वप्रथम हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस को भरिए ऐसे, अब उसे बिना रुके हुए बाहर करिए, फिर से डीप ब्रीथिंग करते हुए अंदर आइए। ऐसे 3 से 5 सेकंड में सांस को भरिए, 3 से 5 सेकंड में सांस को छोड़ेंगे, दीर्घ श्वास लेंगे, दीर्घ श्वास को बाहर करिए। हर श्वास के साथ ऐसे समर्पण, एक विश्वास होना चाहिए, एक अनंतता, एक दिव्यता को स्वयं में महसूस करते हुए, प्रतिष्ठित करते हुए। जब भी श्वास को अंदर लीजिए तो कोशिश करिए सामान्य स्थिति में, अब जिनको भी हाइपरटेंशन की समस्या रहती है या हार्ट में ब्लॉकेज है या फिर बैकिक की समस्या है, हॉर्निया के जो पेशेंट हैं, वो ऐसे सामान्य स्थिति ही करिए। या जो शुरू शुरू में अभ्यास को अभी शुरुआत शुरू में अभ्यास को कर रहे हैं, स्टार्टिंग दे रहे हैं अपने जीवन में, अब योग को आत्मसार कर रहे हैं, तो वो ऐसे शुरुआत में अभ्यास में अभ्यास को इसी प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम को करिए। अब जब भी सांस को भरिए तो अपने फेफड़ों में शरीर एक अंकुचन को, डायफ्राम की सक्रियता को बढ़ाते हुए हर श्वास के साथ एक अंकुचन महसूस करते हुए, एक प्रसारण जो है हमारे लंग्स में महसूस करते हुए, तो ऐसी सक्रियता को बढ़ाने के लिए, लंग्स की कैपेसिटी के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ हम जब चलते हैं तो नॉस्टल्स के माध्यम से बहुत सी गंदगी हमारे शरीर के अंदर जाती है और फिर वो इस यहाँ से हमारी श्वसन नली के माध्यम से अंदर की तरफ चली जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, फिर वो संपूर्ण शरीर के समस्त अंगों में जाती है। और एलर्जी के लिए भी ये बड़ा ही इफेक्टिव अभ्यास है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने से इन सारे रोगों से हम दूर हो जाते हैं। तो सामान्य स्थिति आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ऐसे श्वास को भरिए और बाहर करिए, फिर से डीप ब्रीथिंग करेंगे पुनः ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे हर दिन 3 से 5 मिनट इस अभ्यास को करिए। ये बड़ा ही लाभकारी रहेगा। आप अपने घरों में ही बैठे बैठे, आप अपने स्थान पर ही बैठे बैठे इसको बड़ी ही सहजतापूर्वक कर सकते हैं। अब इसकी मध्यम स्थिति जो है थोड़ी तीव्रता के साथ भरिए बिना रुके हुए ऐसे बाहर, फिर से भरेंगे बाहर करेंगे इस तरीके से, लयबद्ध तरीके से। अब जो पूर्णतया अस्वस्थ हैं, जो हेल्दी हैं, जिनका सामर्थ्य अच्छा है और 100% एलर्जी को भी दूर कर सकते हैं, जुकाम कभी लग नहीं सकता अगर भस्त्रिका तीव्रतापूर्वक आप करते रहिए और शरीर की समस्त नस नाड़ियों में, समस्त सेल्स में, टिश्यूज़ में, हमारी शरीर में समस्त ऑर्गेन्स में और पूरे के पूरे सिस्टम में ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर मात्रा में पहुंच जाती है भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से। अब तीव्रतापूर्वक इस अभ्यास को मैं बता देता हूँ, 1 सेकंड में भरना और 1 सेकंड में छोड़ना ऐसे गति के साथ। ऐसे लगातार
आधे एक मिनट तक, दो मिनट तक अगर भस्त्र का आप कर लेंगे तो 100% फिर कभी भी, जैसे बहुत से बच्चे दौड़ते हैं तो दौड़ते वक्त अक्सर पेन होने लगता है यहाँ पर, और फिर बताते हैं कि दर्द होता है, तो लंग्स की कैपेसिटी अच्छी रहेगी, डायफ्राम हमारा मजबूत रहेगा, सक्रिय रहेगा, तो हमारे हार्ट में ब्लॉकेज नहीं आ सकती, फिर कभी आपको पेन भी नहीं हो सकता, फिर ये सांस की बीमारी जिनको भी होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित, अस्थमा, दमा, पुराना नज़ला, सोराइसिस, एक्जिमा, इन सारे रोगों में लाभकारी। और एलर्जी जो है वो लगभग 600 प्रकार की है। अब लोगों को दूध से एलर्जी है, छाछ से एलर्जी है, दही से एलर्जी है, लोगों को ठंडी चीज़ों से एलर्जी है, बहुत से लोगों को गर्म चीज़ों से एलर्जी है, बहुत से लोगों को धूल मिट्टी से भी एलर्जी होती है, बहुत से प्रकार की जो एलर्जियाँ हैं, तो ये लगभग 600 प्रकार की एलर्जियाँ हैं। और अभी तो बच्चों को, दोस्त को दोस्त से एलर्जी होती है, माता पिता से भी एलर्जी होती है बहुत से लोगों को, तो बहुत से लोगों को घर परिवार में लोगों से एलर्जी शुरू हो जाती है, आपस में आप आस पड़ोस के लोगों से एलर्जी हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा है। प्राणायाम को करने से हमारी सुप्त ऊर्जा, जो खोई हुई ऊर्जा, वो दोबारा से जागृत होती है, और जो पूर्णतया स्वस्थ है वो इस प्रकार से तीव्रता के साथ जरूर अभ्यास को करें, ये बड़ा ही लाभकारी और बड़ा ही इफेक्टिव अभ्यास रहेगा। अब मैं अगला अभ्यास आप सभी को बता देता हूँ। इस भस्त्रिका को करने से बहुत से लाभ होते हैं, हमारी पूरे के पूरे इंटरनल ऑर्गेन्स को हम सक्रिय कर सकते हैं। जैसे हमारी शरीर को चलाने के लिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए दो चीज़ों की सर्वोपरि सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो होती है, सर्वप्रथम इनको ही स्थान देते हैं। पहला जल की आवश्यकता, जल की और बाकी लिक्विड चीज़ों की, तो जो है सबसे प्रथम जो आवश्यकता है वो ऑक्सीजन की है, और दूसरी जो है वो फूड की होती है। ऑक्सीजन के माध्यम से हमारी समस्त कोशिकाओं में एक ऊर्जा जाती है, और दूसरा जो फूड हम लेते हैं, तो ये जो आहार हम लेते हैं उनके माध्यम से हमारी शरीर को कार्बोहाइड्रेट से लेकर के विटामिन प्रोटीन से लेकर के मिनरल से लेकर के, और हमारी शरीर को एक जो ऊर्जा है वो पूरी की पूरी प्रॉपर मात्रा में मिल जाती है। तो इसीलिए इस प्राणायाम का अभ्यास आप जरूर करें। अगला अभ्यास मैं आपको बता देता हूँ कपालभाति प्राणायाम का। ऐसे कमर गर्दन को सीधी करके 5 मिनट बच्चे इसको भी कर सकते हैं, कोई सुंदर सा भजन लगा के। इसमें बस आपको केवल सांस को बाहर करना है, 1 सेकंड में एक बार सांस को बाहर करिए। जिनका शुरू शुरू में अभ्यास है वो 1.5 सेकंड में ऐसे एक बार और सामने भाव करिए कि एक दीपक जल रहा है, एक दिया जल रहा है या एक मोमबत्ती जल रही है, उसे बुझाने की कोशिश करिए कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से, और शरीर के और मन के समस्त विकारों को दूर करिए प्रत्येक श्वास के साथ। ये भाव करते हुए लगातार अभ्यास को करेंगे तो जैसे भस्त्रिका प्राणायाम को करने से क्या होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स को एक ऊर्जा मिलती है, और इसको करने से हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स को एक उनकी सक्रियता जो होती है, उनकी एक एक्सरसाइज हो जाती है इस अभ्यास को करने से। इस प्रकार से कपालभाति को करने से पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक्सक्रेटिव सिस्टम का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम सक्रिय कर सकते हैं। तो ये अभ्यास आप जरूर 5 मिनट, जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं अपने घरों में, जो बड़े हैं बुज़ुर्ग हैं, वो 15-20 मिनट से लेकर के आधे आधे घंटे तक असाध्य रोगों में कर सकते हैं, शुगर बीपी में 15-15 मिनट तक, जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए लाभकारी रहेगा, जो बच्चे हैं वो कम से कम 5 मिनट इसको भी ज़रूर करें, भस्त्रिका कम से कम 3 मिनट, और ये विशेष रोगों में भस्त्रिका को 5-5 मिनट तक करवाते हैं। जिनको भी कैसी भी एलर्जी हो ये भस्त्रिका ज़रूर करें, क्योंकि अभी COVID-19 में लोगों को थोड़ी सी खांसी भी आ जा रही है या थोड़ा जुकाम भी हो जा रहा है मौसम चेंज होने से, एनवायरनमेंट को चेंज होने से, तो उनके परिवार के ही लोग घबरा जा रहे हैं कि कहीं इसको कोरोना वायरस का अटैक तो नहीं हो गया, इसको COVID-19 की विकार तो नहीं इसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। तो आप इनसे बिल्कुल भयभीत ना हो, आप इन अभ्यासों को जरूर करें और करके अपनी इम्यूनिटी पावर को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं और अपने संपूर्ण आंतरिक अंगों को अच्छा रखें, और किसी भी प्रकार की एलर्जी से घबराएं ना, बस अच्छे कार्यों को, अपने आहार को शुद्ध रखें, अपने विचारों को शुद्ध रखें और अपने प्राण को शुद्ध रखने की कोशिश करें। प्राण शुद्ध होगा तो हमारे आहार विहार और सब सारा जीवन हमारा शुद्ध होगा और दिव्य होगा। अब मैं अगला अभ्यास आपको बता देता हूँ, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम को करने से अभी थोड़ी सी जुकाम में लोगों को खांसी आने लगती है या कफ संबंधित रोग होते हैं, अभी कोरोना में भी लोगों को सूखी खांसी की समस्या होने लगती है, फिर धीरे धीरे उनको एलर्जी के साथ साथ फिर ज्वाइंट पेन के साथ साथ बुखार बहुत तेज़ी से होने लगता है, तो ये विशेष कोरोना के जो लक्षण हैं तो इनसे आप बच सकते हैं। और ये उज्जयी बड़ा ही इफेक्टिव है, कंठ से यहाँ से आप श्वास को भरेंगे तो इसको संकुचित करिए, इसको खींचेंगे और फिर श्वास को भरेंगे इस प्रकार से, जैसे उत्तर आवाज़ निकालता है ऐसे खींचिए। इसका नाम है उज्जयी प्राणायाम, है थायराइड में, कब संबंधित सारे रोगों में बहुत लाभकारी है, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं सभी।
फिर ठुड्डी को कंठकोप से लगाइए, सांस को थोड़ी देर तक रोकेंगे और दाहिने स्वर को ऐसे दबा के बाएं से बाहर कर दीजिए। इस प्रकार से इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। पुनः फिर से कंठ से श्वास को खींचिए ऐसे, ठुड्डी को कंठकोप से फिर से लगाइए, दाहिने स्वर को दबाएंगे फिर बाएं से बाहर करिए ऐसे उठते हुए, ऐसे लयबद्ध तरीके से 5 सेकंड में लगभग श्वास को बाहर करिए। इसे कम से कम 5 से 11 बार जरूर करिए। शुरुआत में हो सकता है थोड़ी खांसी आ भी जाए, क्योंकि जब ग्रंथियां आपस में टकराती हैं इस प्रकार से उनमें घर्षण होता है तो थोड़ी बहुत खांसी आ जाती है, कफ होता है तो वो बाहर भी हो सकता है। तो आप इसमें बिल्कुल ना घबराएं, ये उज्जयी प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है कफ संबंधित समस्त रोगों के लिए, थायराइड के लिए, टॉन्सिल्स के लिए, जिन छोटे बच्चों को अक्सर हकलाते हैं तुतलाते हैं उनके लिए भी बड़ा ही लाभकारी है। जो सिंगर होते हैं वो भी इसका उज्जयी प्राणायाम को लगभग अपने जीवन में आत्मसार करके और अपने कंठ के लिए इसका प्रयोग जरूर करते हैं तो उनका कंठ बहुत अच्छा होता है, स्वर बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए आप इसका अभ्यास जरूर करें। गले से संबंधित समस्त रोगों के लिए बहुत अच्छा है और कफ संबंधित रोगों में सुबह सुबह ही लोगों को एलर्जी महसूस होने लगती है कि जुकाम सा महसूस हो रहा है, उस समय भी अगर आप इसको कर लेंगे 100% क्योर कर सकते हैं और बच सकते हैं। अब यहीं से मैं अगला अभ्यास आप सभी को बता देता हूँ, अनुलोम विलोम। ऐसे बैठे बैठे अपने स्थान पर दूसरे हाथ में ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से, या वायु मुद्रा जिनको पेट की विकार रहते हैं वो ऐसे रख के, फिर दाहिने नॉस्ट्रल्स को दबा के बाएं से लंबी गहरी सांस को भरिए। मध्यमा और अनामिका उंगली को, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को दबाएंगे, दाएं से सांस को छोड़िए, जहां से छोड़ेंगे वहीं से भरिए ऐसे 5-5 सेकंड में। फिर से बाएं से छोड़ेंगे, पुनः सांस को फिर से भरिए, फिर से मध्यमा और अनामिका उंगली को दबाते हुए दाएं सांस को छोड़ेंगे। अब इसको करने से अनुलोम विलोम को, जब हम दाहिने स्वर से सांस को भरते हैं तो बाएं मस्तिष्क पर ये ऑक्सीजन जाता है और बाएं मस्तिष्क की जो सेल्स डीएक्टिवेट हैं वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है। डीजनरेट हुई सेल्स का रीजनरेट होना, ये प्राणायाम का अल्टीमेट बेनिफिट है। ऐसे अनुलोम विलोम श्रद्धा के साथ करते रहिए। हाथ नीचे ना आए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, मन शांत और सहज, पूरे एकाग्र चित्त होकर विनम्रता के साथ दिव्यता का वर्णन करते हुए प्रभु के साथ एकत्व का भाव, ऋषित्व का भाव, देवत्व का भाव ये घटित हो जाए इसी भाव चेतना के साथ। ऐसे लगातार ये भस्त्रिका, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम एक एक स्वर में ऐसे करते हुए प्रभु की दिव्यता का वर्णन करते हुए उस ब्रह्म के साथ स्वयं को एकाकार करते हुए, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने से हमारी मेमोरी IQ तो बढ़ती ही बढ़ती है, फिर हमारी शरीर की जो 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ हैं इन सभी की शुद्धि होती है। ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने के बाद फिर दायां हाथ दुखे तो बाएं हाथ को लगाइए, बायां हाथ दुखे तो फिर दाएं हाथ को लगा सकते हैं। ऐसे सहजतापूर्वक निरंतरता के साथ कम से कम 5 मिनट इस अभ्यास को भी अवश्य करें, ये हमारी शरीर की ऊर्जा को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, कफ पित्त वात तीनों दोषों को तो दूर करेगा ही करेगा। फिर संतुलन के लिए ये बहुत ज़बरदस्त अभ्यास है अनुलोम विलोम, मस्तिष्क के एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है और हमारी कंसंट्रेशन पावर को तो ये बढ़ाता ही बढ़ाता है। फिर हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्राणायाम का तप बहुत अच्छा है, बड़ा ही अनिवार्य है। उसके बाद इस अभ्यास को करने के बाद फिर सहजता के साथ आँखों को ऐसे बंद रखते हुए पूरी दिव्यता का वर्णन करते हुए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, जो हेडेक माइग्रेन पेन में बड़ा ही लाभकारी है। जिनको सिर दर्द आदि की समस्या हो या इंसोनोमिया की बीमारी भी बहुत होती है, लोगों को नींद नहीं आती, उनके लिए भी बड़ा अच्छा। आँखों को ऐसे बंद रखते हुए कान के अंदर अंगूठों को इस प्रकार से डालेंगे, फिर तीनों उंगलियाँ आँखों पर सहजतापूर्वक पहली उंगली को ऐसे भौंके ऊपर रखते हुए और शेष तीनों उंगलियाँ आँखों पर, मन शांत और सहज, लंबी गहरी सांस को भरते हुए ऐसे मुंह को बंद रखते हुए ओमकार का नाद करेंगे, भौरों की तरीके से गुंजन करिए और मस्तिष्क पे उस वाइब्रेशन को महसूस करने का प्रयास करिए ऐसे मुंह को बंद रखते हुए।
अब हाथ को नीचे लाएंगे, आंखें बंद, आइज आर क्लोज, माउथ आर क्लोज, आंखें बंद, मुंह बंद, सहज भाव के साथ, बिल्कुल आंखें नहीं खोलेंगे, कमर गर्दन सीधी। भ्रामरी प्राणायाम को करने के बाद मन को शांत और सहज करते हुए इसी प्रकार से मुंह को बंद रखते हुए श्वास को बाहर करते हुए भ्रामरी प्राणायाम, नॉस्टल से सांस को बाहर करते हुए ओंकार का नाद मनी मन करते हुए दिव्यता का वर्ण करते हुए अब उद्गीत प्राणायाम करेंगे। सब आंखों को बंद रखते हुए सहज भाव के साथ 3 बार लंबी गहरी सांस को भरिए, फिर पवित्र पावन ओंकार का जप करेंगे 3 बार एक साथ एक स्वर में ऐसे। अब मुंह को खोलेंगे इस प्रकार से, ओ आंखें बंद, मन शांत और सहज। इस प्रकार से ओमकार का नाद करने के बाद ओमकार को शरीर के प्रत्येक रोम रोम में महसूस करते हुए पवित्र पावन ओमकार का जप करते हुए हर एक पल में हर एक क्षण में प्रणव की उपासना करते हुए अब 1 मिनट मौन हो जाइए, शांत हो जाइए। प्रणव की आराधना करते हुए आती जाती श्वास पर पूरा ध्यान लगाएंगे। बंद आंखों से अपने संपूर्ण शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग को देखने का प्रयास करिए। प्रभु के दिव्यता का वर्णन करते हुए सहज भाव के साथ अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हुए सहस्त्रार से लेकर मूलाधार तक ये सप्त चक्र हमारे जागृत हो रहे हैं। पंच प्राण ऊर्जा, पंच ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ये सब कुछ सक्रिय हो रही हैं। संपूर्ण प्रकार की दिव्यताओं का वर्णन करते हुए किसी भी कार्य को हम राइट थॉट, राइट इमोशन और राइट एक्शन के साथ करने का संकल्प करते हैं। बंद आंखों से अपने माता पिता का दर्शन करते हुए, गुरुओं का दर्शन करते हुए, ब्रह्म का दर्शन करते हुए, अपने ईष्ट का दर्शन करते हुए, संपूर्णता और दिव्यता को स्वयं में धारण करते हुए हमारा रोम रोम पुलकित हो रहा है उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हुए हर आती जाती श्वास के साथ पॉजिटिविटी कम से नेगेटिविटी गोज आउट। इसी दिव्य भाव के साथ आइए आंखों को खोलने के पहले दोनों हाथों के अतिलियों को सहज भाव के साथ रगड़ेंगे ऐसे, फिर उन्हें आंखों पर, मत्थों पर, गालों पर, कानों पर, गर्दन तक लगाइए और अब सहजता के साथ आंखों को खोलेंगे। तो इसी प्रकार से आप ये कम से कम सभी बहुत सहजता के साथ ये 7 प्राणायाम लगभग अभी मैंने आपको बताए इस वीडियो में। भस्त्रिका कपालभाति, तीसरा आपको उज्जयी बताया था जो गले के लिए बड़ा ही लाभकारी है, चौथा अनुलोम विलोम, पाँचवा भ्रामरी, फिर छठवां आपको उद्गीत बताया था 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे और 7वां जो था वो प्रणव, 1 मिनट का ध्यान करना है। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका टारगेट है उस पर फोकस करते हुए प्रभु की दिव्यता को स्वयं में प्रतिष्ठित करते हुए ऐसे थोड़ी देर आप सभी ये 7 प्राणायाम बड़े ही आराम से 15-20 मिनट में सभी लगभग अपने घरों में बैठ कर इस समय कर सकते हैं और बड़ा ही लाभकारी, बड़ा ही इफेक्टिव रहेगा। और हमारे हमें अपने आप से, क्योंकि हमारा जो सुख है वो भी अंदर है, जो शांति है वो भी अंदर है, जो ज्ञान है वो भी अंदर है, जो सामर्थ्य है वो भी अंदर है, सब कुछ अंदर है। बाहर भौतिक सुखों से दूर होकर वास्तविक सुखों की तरफ अग्रसर होते हुए हर एक व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति चाहिए, तो उसके लिए योग का अभ्यास आप जरूर करें। इसी भाव के साथ मैं आपसे विनम्रता के साथ ये निवेदन करूँगा कि आप अपने जीवन में इसको आत्मसार करें और जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, सभी इसको कर सकते हैं बहुत सहजता के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को भी ऐसे अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, ओम, धन्यवाद।